आज की वीडियो में हम बनाएंगे पोटेशियम क्लोरेट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पोटाश भी बोलते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा आसान प्रोसेस है, मैं तुम्हें इसको बना के दिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हें इसे बनाना हो तो मेरी वीडियो को रिलीजियसली फॉलो कर लेना। शुरुआत से लेके एंड तक अगर वीडियो को देखोगे तो ही समझ में आएगा इसे बनाना कैसे है। और हाँ, अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या आ रही है इसको बनाने में, तो कमेंट जरूर करना, मैं पूरी तरीके से इसे आंसर करूंगा। तो चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। और अगर चैनल पर नए हो तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर पड़ती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा सोडियम हाइपोक्लोराइड के 10% सोल्यूशन का। अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का 10% सोल्यूशन होता है ना, ये होता है कॉमन हाउसहोल्ड ब्लीच। हालांकि ये आपको रिन आला में भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें कई सारी इंप्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना वो 4% ही होगा। और हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, तो ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि इसकी गैलन्स आते हैं 5 या 6 लीटर के। तो हालांकि हमें इतना तो जरूरत है नहीं, अनटिल अनलेस आप इसको ज्यादा अमाउंट में बना रहे हो। तो यहां 200 ml के करीब मैंने इसको बीकर में निकाल लिया है। अब मैं इसको इवेपोरेट करूंगा बॉयल करके अच्छे से। तो मेरे पास कुछ खास हीटिंग अपैरेटस तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही किचन में गैस पे बॉयल करूंगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जहां भी करें इसको थोड़ा सा वेंटिलेशन रहे वहां पर, क्योंकि इसके जो वेपर्स होंगे ना उसमें काफी ज्यादा स्मेल होगी क्लोरीन की। तो मतलब घर वालों को बता के करना यार, ऐसा ना हो तुम बॉयल कर रहे हो और पूरे घर में क्लोरीन जैसी स्मेल आने लगे। तो इसको अच्छे से बॉयल करोगे ना तो तुमको वाइट कलर का पीपीटी दिखेगा, यानी कि प्रेसिपिटेट दिखेगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो हीट करने के बाद सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो सोडियम क्लोराइड है ना वो पीपीटी के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो मैं अभी कुछ ही देर में मैं वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखो कितना सारा नमक है इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर का यूज़ करके। अब यहाँ पर जुगाड़ू फिल्टर फनल भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, हालांकि फिल्टर फनल तो यार सबके पास हो, लेकिन मैं इसको ही यूज़ करूँगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी मुझे इस जो सोल्यूशन है जिसको अभी हम लोग गर्म किए हैं इसको अच्छे से फिल्टर कर लेना होगा एक या दो बार में। मतलब एक दो बार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाद में भी फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट बचा रह जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है और तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देख रहे हो कितना धीरे इसमें से निकल रहा है, और इसका एक या दो पार्ट मेरे को फाइनली फिल्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं फाइनली सोडियम क्लोरेट का सोल्यूशन पाऊंगा। अभी कुछ देर बाद फिल्टर करने के बाद हमें ये फाइनली मिला है, ये है सोडियम क्लोरेट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है स्टोशियोमेट्री पे कि तुम किस तरीके से रिएक्शन कराते हो। हालांकि मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने करीब 200 ml के करीब गर्माया। तो थोड़ा सा और भी अगर चाहिए होगा तो मैं आगे गर्मा लूँगा। हालांकि तुम्हें प्रोसेस मैंने बता दिया है कि इसे एग्जैक्टली बनाना कैसे। अब चलो जुगाड़ करते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का। अगर तुम खाद की नॉलेज रखते हो तो एक ये खाद भी आती है, लाल पोटाश करके बोलते हैं या रेड पोटाश भी बोलते हैं, ये देख सकते हो। इसको ना केमिस्ट्री की लैंग्वेज में MOP बोलते हैं, यानी म्यूरिएट ऑफ पोटाश। और म्यूरिएट जो वर्ड होता है ना ये पुराना वर्ड है क्लोराइड के लिए। तो ये थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म होता है पोटेशियम क्लोराइड का। खैर, हमें केमिस्ट्री आती है तो हम जानते हैं कि इससे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। हालांकि अगर तुम्हें अलग से वीडियो चाहिए इसकी तो मैं बना सकता हूं, बट मैं इसी वीडियो में बता देता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा एक छोटे से बीकर में 50 ml के बीकर में फुल इसको फिल कर लेता हूं, क्योंकि हमें एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। तो मैं इतना इसको फिल करके और इसमें डिस्टिल्ड वाटर अप्रॉक्सीमेटली 100 ml के करीब डाल के हीट करूँगा। उससे क्या होगा ना, इसमें जो भी प्योर पोटेशियम क्लोराइड है वो उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और हमें हमारा पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन मिल जाएगा। और जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी, जैसे इसमें लाल कलर की डाई भी पड़ी हुई है, उसको हम फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो अभी तुम देख सकते हो ये काफ़ी है, और मैं इसमें डालूंगा डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर क्यों डाल रहे हैं, जिससे आयन फ्री रहे और रिएक्शन हमारा फीजिबल रहे अच्छे से। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको बॉयल करूंगा अभी अच्छे से। अच्छे से बॉयल करने के बाद इसमें जो भी लाल कलर की डाई होगी, यानी जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो ऊपर तैरने लगेंगी और फाइनली हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। यार देखो, ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग है ना, और थोड़ा सा इनएफिशियंट मेथड भी है इसको एक्सट्रैक्ट करने का। तो अगर तुम्हारे पास पोटेशियम क्लोराइड है वो तो ठीक है, और अगर नहीं है तो तुम इस तरीके से भी बना सकते हो। अब हमारे पास ना दो सोल्यूशन है अलग अलग, सोडियम क्लोरेट का और पोटेशियम
पोटेशियम क्लोराइड का 100 ml सोडियम क्लोरेट है और 100 ml पोटेशियम क्लोराइड है। देखो कुछ खास स्टोशियोमेट्री मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वैसे भी यार आधे से ज़्यादा वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो और अगर मैं इसमें मैथ्स बताने लगा तब तो भाई कल्याण हो चुका। तो देखो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैं क्या करता हूँ पोटेशियम क्लोराइड को सोडियम क्लोरेट के सोल्यूशन में डाल देता हूँ। अभी हमारे पास 200 ml इन दोनों का सोल्यूशन हो जाएगा और अब हमें क्या करना है, अब इसको सिंपली छोड़ देना है एक रात के लिए या किसी कितने भी टाइम के लिए जिससे इसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाएँ। अभी जो क्रिस्टल्स बनेंगी ना वो होंगी पोटेशियम क्लोरेट के। पोटेशियम क्लोरेट जो है वो पानी में इतना अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता है तो वो अलग से क्रिस्टल्स बना लेता है। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये सोल्यूशन है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ पन्नी से कवर करके और फ्रिज में रख देता हूँ। तो जब मैं कुछ देर तक इसको फ्रिज में रखा तो नीचे वाली लेयर तुम बहुत आसानी से दिख रहा है, मतलब इतना जूम भी करने की ज़रूरत नहीं है खैर, लेकिन आसानी से दिख रहा है कि नीचे वाली जो लेयर है उसमें प्यारी प्यारी क्रिस्टल्स बन गई हैं। अब यार ये क्रिस्टल्स ना बड़ी चमकीली होती है, बहुत कमाल की होती है, एक बार जरा तुम बनाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये जो ऊपर वाला लिक्विड है इसको डिकेंट कर देता हूँ और नीचे वाले क्रिस्टल्स हैं उनको निकाल के सुखवा लूँगा और वही हमारी जो क्रिस्टल्स हैं वो होंगी पोटेशियम क्लोरेट। तो अभी तुम देख सकते हो कि हमारे पास इस साइड जो सोल्यूशन है इनमें से मैं पन्नी को हटा देता हूँ। अब पन्नी लगाने का कुछ खास कारण तो नहीं था, मतलब मैंने ऐसे लगा दिया था कि कुछ लॉस ना हो वेपर का, खैर कुछ ऐसा खास कारण नहीं था इसको पन्नी को लगाने का। अब मैं डिकेंट कर देता हूँ सारा जो ये वेस्ट है हमारे पास। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो हम निकाल रहे हैं जो अलग ये वाला लिक्विड है, दूसरा जो फिल्टर है, इसको आप एक बार फिर से क्रिस्टलाइज करो क्योंकि इसमें से अभी भी थोड़ा बहुत पोटेशियम क्लोरेट निकलेगा। खैर अगर मैं इसको करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, वैसे हो भी गई है। तो अभी मैं इतने को ही करके दिखाता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना यार, अगर यहाँ तक आ चुके हो तो एटलीस्ट वीडियो को आखिरी तक तो ज़रूर से देखो। अभी हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट की जो है वो क्रिस्टल्स आ चुकी है। मैं क्या करता हूँ टिश्यू पेपर और फिल्टर पेपर का यूज़ करके इसको सूखा कर लूँगा। हालांकि ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होती है तो इतना कोई मतलब इशू है नहीं, हाइग्रोस्कोपिक होती तो फिर समस्या हो सकती थी। मैं थोड़ा बहुत इसका जो पानी और है उसको अलग कर देता हूँ। अच्छा अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये जो फिल्ट्रेट हमने इस साइड निकाल रखा है उसमें भी हल्की हल्की क्रिस्टल्स जमना शुरू हो गई हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ टिश्यू पेपर पे इन सारी क्रिस्टल्स को निकाल लेता हूँ और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगा। मैं जानता हूँ इसकी जो यील्ड है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर से वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने अमाउंट में इसको बनाना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में बनाना हो तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने बना लिया है पोटेशियम क्लोरेट। अब इसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद तुम्हें मिल जाएंगी इसकी कुछ प्यारी प्यारी क्रिस्टल्स जो कि मैंने निकाल लिया है पेट्री डिश में और तुम देख सकते हो। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को ज़रूर से दबाना। और हाँ अगर इसको बनाने में कोई भी समस्या आई तो उस क्वेरी को तुम कमेंट डाउन कर सकते हो और उसको मैं पूरी तरीके से आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। अब अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूँ कि इसमें जब H2SO4 डालो ना तो ये एक्सप्लोड होता है, क्लोरीन निकालता है। खैर वो भी टेस्ट में तुम्हें करके दिखा देता हूं और वीडियो एंड हो चुकी है, मतलब इसके बाद भी है टेस्ट अगर तुम देखना चाहो तो। Shut up and sit down.